आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। माल लदान मामले में उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेलमंडल बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बार फिर आगरा रेलमंडल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आगरा रेलमंडल को माल लदान मामले में बड़ा मुनाफा हुआ है। आगरा रेलमंडल ने माल लदान के क्षेत्र में 4.2 मिलियन टन के कठिन लदान लक्ष्य को वित्तीय वर्ष के समापन से 28 दिन पहले ही पूरा कर लिया है। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आगरा मंडल का अब तक सर्वश्रेष्ठ लोडिंग 4.06 मिलियन टन रहा है, जिसको पीछे छोड़ते हुए आगरा रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। माल लदान में जैसा कि पता है, हम लोगों ने जो हमें टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट को करीब 28 दिन पहले ही हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। हमें 4.2 मिलियन टन का टारगेट था 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए, और ये 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने करीब 4.21 मिलियन टन लोडिंग कर ली है। और अर्निंग जो है वो पिछले साल की तुलना में करीब 31% हम लोगों ने ज़्यादा अर्निंग कमाई हुई है पिछले साल की तुलना में। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है कि एक तो नए वेन्यूज़ को हम लोगों ने तलाशे हुए हैं, कि जो हमारी मेन लोडिंग है बाद रिफाइनरी की, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा बताया गया है कि आगरा मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के लगातार प्रयासों के कारण यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। माल लदान मामले में आगरा मंडल लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। मंडल ने अपने पिछले सभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 574 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्तीय अब 29%। इसके अलावा जो हमारी BDU बनी थी, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, इसके माध्यम से हम लोगों ने मथुरा से पहली बार आगरा मंडल के हिस्ट्री में वहाँ से फूड ग्रेन की आउटवर्ड लोडिंग स्टार्ट करी है, और नवंबर माह से वहाँ पर रेगुलर लोडिंग हो रही है। जैसा कि पता होगा कि रेलवे बोर्ड ने स्टेशन टू स्टेशन स्कीम STS स्कीम लागू की थी, जिसके तहत हम लोगों ने कई पार्टियों को फ्रेट रिबेट के तहत एग्रीमेंट किया था, जिसका फ़ायदा अभी मिल रहा है। तो मथुरा एक बताया, इसके अलावा शोलाका स्टेशन से हम लोगों ने कुछ स्लीपर की लोडिंग भी स्टार्ट करी है, वहाँ से भी 4-5 रेक्स हुए हैं वहाँ पे। ये सारा मिला कि एक जो हमारा कह सकते हैं फ्रेट बास्केट है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा विस्तार किया उसका, और फल मिल रहा है हमें। यह उपलब्धि खाद्यान्न और ट्रैक स्लीपर के नए यातायात को आकर्षित करने कारण संभव हुआ है। मौजूदा प्रमुख PON यातायात भी लदान के क्षेत्र में कई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ITC के साथ खेड़ली स्टेशन से STS स्कीम के तहत नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। रेलवे जहां सवारी गाड़ियों को बेहतर बनाने में जुटा है, वहीं रेलवे माल गाड़ियों पर भी खास ध्यान दे रहा है। लगातार रेलवे लदान क्षमता को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि लदान क्षमता के चलते रेलवे को मोटा राजस्व भी हासिल हो रहा है। उत्तर मध्य रेलवे की बात की जाए तो आगरा रेल मंडल भी माल लदान मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रेलवे को बड़ा राजस्व आगरा रेल मंडल के द्वारा हासिल हो रहा है, ऐसा बताया गया है। अभी तमाम सारे और बदलाव किए जाने हैं, नियमों में बदलाव किए जाएंगे, जिसके चलते आने वाले दिनों में और अधिक माल लदान से मुनाफा रेलवे को होने वाला है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।